दो दफा सुमाह ने गुस्से में देखा है, दोनों दफा एक जर्नी लेकर चले हैं, पूरी मूवी आपके साथ देख रहे हैं बजरंगी भाईजान, जिसमें हमारे अपने भाईजान दी सलमान खान हमें नजर आ रहे हैं और साथ हमें नजर आ रही है मुन्नी, और जिसकी फिल्म पूरी बेस करती है, पूरी स्टोरी इन दोनों के बीच घूमती है। हाँ, अभी वो पाकिस्तान आ चुका है बल्कि आने वाला है, शुरू होने लगी उसकी, यानी कि हमने देखी थी इंटरवल से थोड़ी सी आगे देखी थी, जहाँ पे वो एक बंदे को मिलता है और वो उसको पाकिस्तान बॉर्डर पार करवाने के लिए उसको पैसे वैसे देने होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जाते हैं, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हियर वी गो, 3, 2, 1 आ देखें जरा। अब ये बॉर्डर पे आ गए हैं ना, रात की बात। सुनो, तारों के उस तरफ हर 10 मिनट बाद पाकिस्तानी फौजी राउंड लगाने के लिए आते हैं। तारों के नीचे 4 सुरंग हैं, 4 सुरंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें सुरंग में से रेंगते हुए उस तरफ निकलना है, और वो जो रेत के टीले दिख रहे हैं ना, उसके पीछे गायब हो जाना है, और बस वेलकम टू पाकिस्तान। अच्छा, वो जो है वो इस सुरंग उस तरफ खुली है जाके? नहीं नहीं, बॉर्डर के पास खुली है, इंडिया की तरफ ही। हाँ, इंडिया की तरफ ही खुली है। चल, हम परमिशन लेके जाएंगे। क्या क्या लेगा बे? हम पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। मैं यही जगह मिली थी तुझे मजाक करने के लिए, हैं? चल यहाँ से, चल। हम बजरंगबली के भक्त हैं, चोरी छुपे कुछ काम नहीं करते। अबे पागल है क्या? गोली मार देंगे हम सबको। चल भाई, चल 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 चल। मुन्नी, मुन्नी हम परमिशन लेकर ही जाएंगे। मैं तुझे देखते ही समझ गया था, महा पागल है तू। मुन्नी समझा इसको। अबे गधे गधे उठा ले मेरे बाप। परमिशन कैसे ले गए? वो राउंड पे आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तानी तरफ ही है, उस तरफ आ गया वो। हिंदुस्तानी है जी, लेकिन मुन्नी पाकिस्तानी है। बेचारी अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, उन्हीं से मिलाने के लिए से पाकिस्तान ले जा रहे हैं। जनाब, ये कहानी तो पहले नहीं सुनी। तो चले क्यों नहीं गए? हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते, बस आप ही की परमिशन के लिए यहाँ पर रुके थे। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर परमिशन ही चाहिए था तो वीजा के लिए एम्बेसी क्यों नहीं गए? हम गए थे आपके पाकिस्तानी एम्बेसी दिल्ली में जो है ना मुन्नी, गए थे ना, लेकिन वहां से हमको धक्के मार के निकाल दिया। तो यहां कैसे पहुंचे? वो बोली हम यहां पे ले। बोली? बोली एक एजेंट है, वो कह रहा था कि दोनों तरफ का जुगाड़ है उसका। क्या बकवास है सब? इधर कैसे आए फेंस के इस तरफ? सुरंग से आए, रेंगते रेंगते, एकदम सीधी सुरंग है। सुरंग? उसने कुछ बता दिया। वो उसके ऊपर खड़े हैं। देखो जनाब, जनाब ये जरूर कोई जासूस है, कहीं तो गिरफ्तार कर लें इसे। नहीं, ऐसा करो, इन दोनों को इसी सुरंग से वापस फेंक दो और सुरंग में रेत भर दो। फिर वापस आ गए। आ जाए यहां से, नहीं तो गोली मार देंगे। चल।
फिर आ गया। मुन्नी तो घबरा मत मुन्नी, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, कुछ नहीं हो रहा, मारे साहब हो रहा हो रहा हो रहा, वो बच्ची घबरा रही है ना, एक्टिंग कर गया आसमान खान, इस मूवी में कमाल कर गया। तुम फिर कैसे यहाँ आ गए? वहाँ पर एक और सुरंग है। किसने बताया तुझे इस सुरंग के बारे में? वो अली ने। वो अली? सर, हमने बजरंग बली से वादा किया कि जब तक हम मुन्नी को उसके माँ बाप से नहीं मिला दे हम दम नहीं लेंगे। दम तो तेरा हम निकाल दे पागल। देखो अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट और वीजा होता तो भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। बॉर्डर्स के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। अभी के अभी वापस लौट जाओ। ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। सर, जैसे मुन्नी के माँ बाप मिल जाते हम वादा करते क्यों वापस हिंदुस्तान लौट जाएंगे। देखो हम यहाँ ठीक 10 मिनट के बाद राउंड लगाने आएंगे। इन 10 मिनटों में तुम इधर जाते हो या उधर वापस जाते हो हमें नहीं पता जनाब। लेकिन 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 अगर फिर दिख गए तो इस बार जरूर गोली मार देंगे। चलो। इनडायरेक्टली परमिशन दे दी है। और ये पता लगाओ साला भूली कौन है। अच्छे लोग दोनों तरफ होते हैं। जय श्री राम। वो नहीं गया जनाब, ये जरूर कोई मेंटल है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं पर इस बच्ची का तो ख्याल करो। सर अगर हम चाहते तो रात के अंधेरे में आपके आने से पहले ही चले जाते लेकिन हम बजरंगबली के भागते और हाँ हाँ मालूम है मालूम है। और कोई काम चोरी छिपे नहीं करते हो और वादा करके आए हो। अरे आगे भी तो बढ़ो इससे। हम आपसे भी एक वादा करते हैं, हम जैसे मुन्नी को उसके घर छोड़ देंगे हम वापस हिंदुस्तान लौट चले जाएंगे। बस आप परमिशन दे दीजिए। तो बोला तो था जाने को, क्यों नहीं गए? सर वो परमिशन थोड़ी थी सर, वो भी चोरी छुपे ही होती। जनाब बिल्कुल मेंटल है। ठीक है जाओ जनाब। अब मिलेगा परमिशन। जनाब जाए सर। जी भाईजान शाकाहारी मिलेगा? क्या मिलेगा? भाजी तरकारी सब्जी। सब्जी है ना इसमें, देखो शिमला मिर्च है, शलगम है, टमाटर है, मटर है, पालक भी है, पूरी सब्जी भरी पड़ी है। नहीं नहीं सिर्फ सब्जी। क्या हो गया बच्चे की तबीयत खराब है? क्या हो गया बेटे? नहीं बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपकी तबीयत खराब है? तो सिर्फ सब्जी क्यों खानी है? एक काम करो उसे रहने दीजिए, इसे ले जाइए और चाय पराठा ले आइए। बिलाल कल कितना पराठे ठंडे हुए ना, तुझे ठंडा कर दूंगा। पाकिस्तानी पुलिस समझा। जल्दी से खा ले मम्मी, यहां से तुरंत निकलते हैं।
मर गया ना मुन्नी, देख तेरे माँ बाप तुझे ठाई से मिल जाएंगे। रुको, रुक। अरे मुन्नी रुक, ये मोटा यहाँ क्यों है? हथकड़ी कहाँ? हथकड़ी चुरा दी होगी। कौन सी हथकड़ी? वो जो तूने बेल्ट के पास से चुराई है। अब हथकड़ी भी कोई चुराने की चीज है? ढूंढो इसके बैग में, बैग चेक कर। देखो ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए देखिए, है इसमें हथकड़ी? इसमें तो नहीं है। नहीं है, इसमें देख। अरे छोटी बच्ची हथकड़ी चुरा के करेगी क्या? दे दे मुन्नी, दे दे बेटा, मुन्नी दे देना। ये लीजिए, ये देखिए, देखिए चेक कीजिए, तलाश लीजिए। नाम क्या तेरा? पवन। पवन? पवन क्या? पवन कुमार चतुर्वेदी। लोग हमें प्यार से बजरंगी बुलाते हैं। हम नहीं बुलाएंगे। हिंदुस्तानी है? जी। पासपोर्ट दिखा। नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं है? सारा यहाँ पाकिस्तान में कैसे घुस आया? वो तारों के नीचे से आया। तारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए हैं। झूठ हमें कतई पसंद नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बजरंग बली के भक्त हैं। रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमारे मुल्क में घुस आया, पता है ऐसी हरकत कौन करता है? चूहा या जासूस? हम जासूस नहीं है। और मुन्नी? और मुन्नी तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी? अच्छा, पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी बड़ी वाला लॉकेट है ना? हाँ, और मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। पकड़ लो इसे, चल ले चलो। चलो ऊपर सच भी सारा बोल दिया ना तुमने। मुल्क लोग ईद मनाने के लिए आ रहे। अरे यार ये फिर आ गए, बात तो निकल रहा है, गाड़ी निकल जाएगी यार। कराची से अंदरून मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दर्शन यार गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल देना। बड़ी कमाल तारीड़ी की है सीन। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। क्या क्या कर रही बीबी, उधर से निकल जाओ, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए, क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दूसरे यार गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल हुसैन साहब, चांद नवाब चावड़ा। बगला देखो, देख सामने देखो। अरे रास्ते में क्यों खड़ा है फिर? तो देखो हमारा सर, कराची से हमें तो यहाँ बेकार क्या हाँक रहा है, वहाँ पुलिस ने एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ा है। हिंदुस्तानी जासूस कहाँ? बिलाल के ढाबे पे, उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो। पवन का फोन आया? नहीं, आ जाएगा। अरे पर अब तक तो मुन्नी को चढ़ा दिया होगा उसने ट्रेन में। कहा नहीं था तूने उससे के वाघा पहुंचते फोन करेगा? कहा था, भूल गया होगा। अरे तू कर लेती फोन। सर हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन, आप आ जाइए जल्दी से। सलाम अलैकुम। हाँ वालेकुम। अपने मिशन के बारे में बताओ। मिशन? हाँ परमिशन लेकर आए हम। नहीं तफसील से बताओ, शुरू से बताओ, पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए? वो तारों के नीचे से। तो इस खतरनाक मिशन के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? पैसे? पैसे क्यों मिलेंगे, हमने ये मन से किया है। अच्छा तो वतन परस्त हो जी? क्या क्या बोलते हैं उसको, देशभक्त हो? निसंदेह। निसंदेह क्या? देशभक्त। अच्छा इस मिशन में बच्ची का क्या रोल है? बच्ची पकड़। मुन्नी तो मेन है। अरे बहुत हो गया, चलो यहाँ से, चलो। मुन्नी ही मेन है। क्या सामने आ? इस पैरोडी के बाद जो असल चांदनी वापस उसकी चांदी होगी। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे एक्सक्लूसिव फुटेज में, एक हिंदुस्तानी जासूस और उसके साथ 5-6 साल की पार्टनर अभी जिला चावड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। बच्ची की ट्रेनिंग और इतनी सख्त इतनी तेज की गई, वो एक लफ्ज नहीं बोली। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा। एक दफा और ले ले। आ गया आ गया। पुलिस वाला बंद कर दे, बंद कर। जनाब हिंदुस्तान का नंबर है। क्या हुआ, फोन ऑफ आ रहा है उसका? सर मैंने एक धमाकेदार इंटरव्यू लिया है एक हिंदुस्तानी जासूस का। कसम खुदा कि आपका चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल हो जाएगा सर।
चांद दबा वैसे अभी बोल रहा है किसी हिंदुस्तानी जासूस का इंटरव्यू लिया है। क्या बकवास है, कह दो मैं नहीं। शमशेर साहब नहीं है अभी यहाँ। ओहो, ये तो मसला हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उनसे कहना कि वो आते ही मुझे फ़ोन कर लें अर्जेंट, तब तक मैं रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, पाकिस्तान आने का मकसद क्या है तेरा? कितनी बार बता चुके हैं आपको, मुन्नी को वापस से उसके माँ बाप के पास छोड़ने आए। झूठ बोलता रहेगा तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हम झूठ नहीं बोलते। ए, कहाँ जा रही है? क्यों मुन्नी, तू जब भी जानती है यहाँ तेरा घर है। ये मुन्नी का घर है। अरे क्या हो रहा है ये? अरे सर मिल गया सर, मुन्नी का घर मिल गया। ओ क्या ड्रामा है, नाम क्या तेरा? सर ये बोल नहीं सकती। बोल नहीं सकती क्यों, मुंह में जबान नहीं है इसके? देखा तो, दिखा, बोल बोल। दो दफा सुनाहल गुस्से में देखा है, दोनों दफा दोनों दफा इस बच्ची के लिए। हमारी सोर्सेज के मुताबिक हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो रे, जल्दी आ जाओ, कैमरा मेरे हाथ में कैसे शूट करेगा? पुलिस स्टेशन से भाग गया। बस में जा रहा है, बस में चल 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 चल, पेडल मार पेडल। आपसे ना होगा, जासूसी तो जासूसी करके रहूंगा मैं। अरे उस पे कहाँ जा रहे हो? इस पे चलो ना, ये फांस है। अरे कहाँ जा रहे हो? इस पे चलो। टिकट बच गए, बच गए। हेलो चना, मैं चांदावा बोल रहा हूँ, जिला चावड़ा से। वो हिंदुस्तानी जासूस बस में है। कौन सी बस? जिसमें मैं बैठा हूँ, ठीक मेरे आगे बैठा हुआ है जनाब, आप जल्दी निकलिए। बस कौन सी है? वो अलीपुर के रास्ते पे जनाब, चम्बू दीवानी नाम। तो जी ये था आज का पार्ट जो अभी हमने आपके साथ देखा, काफी ज्यादा मजेदार पार्ट था ये, जिसमें हमें कुछ कॉमेडी सीन भी नजर आए। एक तो पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंट्रोड्यूस हो गए एज चांद नवाब, पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर, और वो जो उनकी एक पैरोडी की गई है, जो हमारे थे जियो के रिपोर्टर थे उनकी पैरोडी है ये। तो उसके बाद वो फिर हमारा रिपोर्टर भी काफी फेमस हो गया था इस सीन के बाद। लेकिन फिर अब वो आता है पाकिस्तान बॉर्डर से तारों के नीचे से और परमिशन लेकर तीन दफा आर्मी ऑफिसर्स के सामने, और काफी ज्यादा कह लो कि उसमें दिखाया गया कि सच्चा इंसान और साफ दिल का इंसान दिखाया गया जो बजरंगी है। और उसके बाद फिर वहां पे सुबह पाकिस्तान बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वहां से मुन्नी पुलिस वालों की हथकड़ी उठा लेती है और उसी सिलसिले में वो पकड़े जाते हैं। और फिर जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पे वो फिर पुलिस वालों की करता है पिटाई, वो भी काफी ज्यादा फनी सीन था। पुलिस वाला देख के उसको मार खाते देख के डर जाता है। तो जी ये था आज का पार्ट, वहां से फिर वो भाग पड़ता है, फिर उसके बीच लगता है रिपोर्टर चांदनवाब, उसके बाद फिर आगे स्टोरी चलेगी अब। लेकिन हम वो आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर अभी के लिए हमें इजाजत है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देर में ज्यादा, तब तक के लिए आ देखें जरा।